दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। मरहबा मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो लेकर आ गए अपनी वीडियो बात करने वाले होंडा CBR के बारे में जो आप देख रहे हैं। तो इसमें जो एक प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि जैसे इसका टेम्परेचर 106 पे पहुँचता है और उसके बाद में जब हम इस बाइक को बंद करते हैं तो फिर ये स्टार्ट नहीं होती, और कभी कभी एकदम मतलब बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाती है, कोई मुश्किल परेशानी नहीं आती, लेकिन कभी कभी जो है स्टार्ट नहीं होती, ये इस तरह की हरकत कर रही है। तो आप देख सकते हैं मैंने जो इसको खोल रखा है, और मैंने जो है हालांकि इस पर स्कैनिंग भी इसकी करके देख ली है। स्कैनिंग में जो है सिर्फ इसने फॉल्ट बताया, ये जो आप देख रहे हैं ये एयर मास्क सेंसर है, तो इसका जो है इसने फॉल्ट बताया था, हालांकि मैंने इसको क्लियर कर दिया, लेकिन उसके बाद भी जो है ये प्रॉब्लम इसकी नहीं गई। बाकी किसी भी तरह की जो है इसमें लाइट वगैरह नहीं आ रही है, आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह देख सकते हैं, ये जो है मैंने इसका क्लच बॉक्स खोल लिया है, और ये देखें आप, ये इसका क्रैंक सेंसर है। तो जो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है वो इसी की वजह है, जो हीटिंग के बाद जो है बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही है, तो इसका जो है क्रैंक सेंसर जो है ख़राब हो गया है। और आप देखें ये जो है न्यू क्रैंक सेंसर है, जेन्युइन जो है ये होंडा का ही क्रैंक सेंसर है। तो मैं इसी को जो है चेंज करने वाला हूँ, उसके बाद में जो है इंशाल्लाह इसकी पोजीशन देखते हैं। इंशाल्लाह ये जो होंडा CBR आ रही है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसका जो है मैंने सेंसर भी फिट कर दिया है और पूरा फाइबर वगैरह बिल्कुल कम्प्लीट कर दिया है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं और इसकी पोजीशन चेक करते हैं कि इस वक्त जो है क्या पोजीशन इसकी आ रही है। माशाल्लाह स्टार्ट हो गई है, तो मुझे वेट करना पड़ेगा ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो 106 हो जाए, उसके बाद में जो है मैं इसको बंद करके फिर जो है इसको स्टार्ट करके देखूँ कि स्टार्ट हो रही है या नहीं। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम यही थी कि 106 पर जाकर के जो है जैसे ही गाड़ी हीटिंग पे आ रही थी, उसके बाद में जब हम बंद करते थे तो बंद के बाद में जो है बाइक स्टार्ट नहीं हो पाती थी। तो चले मैं इसको छोड़ देता हूँ ऐसे स्टार्ट, उसके बाद में जो है चेक करता हूँ। तकरीबन इसका 2 से 3 दफ़ा जो है फ़ैन चल चुका है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त जो टेम्परेचर है इसका वो 103 पे है, और आप देखें इस वक्त भी जो है इसका फ़ैन चल रहा है। तो मैं इसको जो है बंद करता हूँ, उसके बाद में जो है स्टार्ट करके देखता हूँ कि स्टार्ट होती है या नहीं। माशाल्लाह देखा आपने, जैसे कि बाइक जो है स्टार्ट हो गई है, यानी जो इसमें परेशानी थी वो इसी क्रैंक सेंसर की थी, और बाकी माशाल्लाह आप देख सकते हैं। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।